संगरूर के पिंड देहला सिया तो एक वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे बीते दिन हुई जोरदार बारिश कारण पिंड के छप्पड़ विच हजारां की गिनती विच मच्छियां मर गई। मच्छियां की मौत का कारण आक्सीजन की कमी नूं दस्सिया जा रहा है। दस दईए कि इन्हां मरिया हुई मच्छियां तो फैल रही बदबू कारण पिंड के लोगों नूं साह लैण च बहुत तंगी हो रही है अते उन्हां नूं डर है कि इस बदबू नाल पिंड च कोई बीमारी फैल सकती है। दसनयोग है कि मच्छी पालन विभाग नाल इस संबंधी गल भी की गई है। पिंड वासियों का कहना है कि प्रशासन वालों इन्हां मरिया हुई मच्छियों को दब देना चाहिए है ता जो कोई बीमारी ना फैल सके। परसों तो जो मच्छियां मरनिया शुरू हो गई मच्छी पालन विभाग के गल हुई कहते भी जी जो बारिश आई है उस टाइम जी है बदलों की वजह करके जी है ऑक्सीजन की जी कमी होगी जी ये उपरली लेयर है पानी की उस कहते भी जो तेजाबीपन हों ज्यादा उसकी वजह कारण कारण ये दस रहे हैं क्योंकि पहला तो जो पिछे 15-20 दिन पहला जी बारिश पई है उस बारिश का पानी तो टोभे पे उदो कोई इदा की समस्या नहीं आई परंतु हूं तो जो टोभे का पानी बाहर निकल रहा है कोई आप नहीं कह सकते भी ए जहरीला कुछ पै गया सो ए कारण जो ऑक्सीजन की मात्रा की जी कमी है। मछिया मछिया जी पहला तो यह टोभा दिता गया हूं जो हूं तो किसी को यह दिता नहीं हो पता नहीं ये उदो दहलों रह रही ने पिंड वासियों देखो कि स्मैल आ रही है क्योंकि नेड़े पिंड दे नाल लगमा जिहड़ा ये सारा एरिया है सारे पिंड दे विच इहदी बदबू जा रही है। कोई सरकार अधिकारियों नाल गल हुई है कि कहिंदे ने वी पहुंचणे ने किन्ने जाणे ने तुहाडे मीडिया दे राही पता लग्गिया कि पंचायत विभाग ने जिहड़ियां हदायतां जारी कीतियां ने उहदे संबंध विच सैकटरी साहब ते होर नाल उहनां दे जिहड़े है अधिकारी साहिबान उह इत्थे पहुंचे हुए है मैनू पता लग्या भी शायद SDM साहब ने भी इत्थे जिहड़ा पहुंचना है तो इहदी कह रहे है भी जल्दी तो जल्दी किते टोआ पट के इन्हां नूं मच्छियां नूं जिहड़ा टोभे दे विच्चों कढ के जिहड़ा कहिंदे दब्बण दा जिहड़ा काम है उह जल्दी करन दे जा रहे ने। मसला तो भाई आ तुहानूं दस्सी आ वी चेयरमैन ने उही गल्लबात है जी ऑक्सीजन दी कमी करके जिहड़ियां मच्छियां मरियां ने बाकी तां चलो मच्छियां दा तां हुण मेन समस्या इह तां जिहड़ा छप्पड़ है गंदा पाणी है इह तां हर रोज़ दी समस्या है मतलब इहदा निकास नहीं हैगा कितें इत्थे गंदा सारे पिंड का गंदा पानी है जिहड़ा उह छप्पड़ च खड़दा है ते हुण तां मच्छियां दी स्मैल है इह तां वैसे ही जिहड़े आले दुआले घर ने उहनां नूं तां रेगूलरली दिक्कत है इहदी जी इहदा इहदा जां तां निकास होवे जां इहदा जिवें हुण अजकल नवें ट्रीट करके मतलब प्लांट लग रहे ने पिंडां च गंदे पानी दी सोध करके खेतां नूं दित्ता जांदा है उह सरकार तों मंग करदे आ वी कोई इहदा प्रोजैक्ट दित्ता जावे पिंड नूं तां जिहड़ा पानी ट्रीट करके खेतां नूं दित्ता जावे जां मतलब वरत्या जावे ਇਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਗੰਦਾ ਚੱਪੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਸੋਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਦੁੱਬ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਰੂ ਗਿਆ ਬੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ ਪੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਲ ਗਈ ਮਤਲਬ ਬਦੂ ਫੈਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ JCB ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿਓ ਪੱਟ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਭੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਇਹ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਮੱਛੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਹਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਹਿਊਮਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੱਦਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
जो भी होगा वो मौके पर देख के सारा सल्यूशन वह हल कर दिता जाएगा। सर पिंड वाले कह रहे हैं कि कंप्लेट की है पर उस बाद कड़ियाँ नहीं गई जिद करके पिंड स्मैल बहुत फैल रही है। साढ़े को हल तक कोई कंप्लेट लिखती नहीं आई हैगी, जो आँदी अं जरूर एक्शन लेंगे, पर सू हम टीवी रिपोर्टा भी पता लगे जो ही पता लगे असं नाल दी नाल एक्शन साड़ी टीम आ गई है पहुँच चुके हैं उत्थे तो नाल दी नाल ही हल कर देंगे देख के जो भी होगा तो कोई भी किसी किस्म की भी कोई दिक्कत नहीं आने दिती जाऊगी इस मामले में कोई ढिल नहीं बरती जाऊगी हर तरह का सहयोग अस पिंड वासियों के नाल बिल्कुल। संगरूर तो गगनदीप कलेर की रिपोर्ट।